बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास ख़ास अमल लेकर हाज़र हुआ हूँ। ऐसे नौकरी पेशा अफराद जिनके आफ़िसर बॉस उनसे नाराज़ हैं और इस नाराज़गी की वजह से आपका तबादला किसी दूसरे शहर में करना चाहते हैं और आप इस तबादले की वजह से बेहद परेशान हैं और आप इस होने वाले तबादले को रुकवाना चाहते हैं, मनसूख करना चाहते हैं, तो ये अमल ख़ास आपके लिए है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से आपकी ट्रांसफ़र होने वाली मनसूख हो जाएगी। आपने करना यह है कि इशा की नमाज के बाद बावजू हालत में अवल आखर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 19 मरतबा सूरह लहब मुकम्मल पढ़नी है। यानी सबसे पहले आप कोई सा भी दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ें, फिर 19 मरतबा सूरह लहब पढ़ें और आखिर में फिर 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। सूरह लहब कुरान पाक की 111 नंबर सूरह है, जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। आप यहां से भी देखकर पढ़ सकते हैं। नहायत यकीन और एतमाद के साथ अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी को सामने रखते हुए पढ़ें। यह अमल आपने सिर्फ 19 दिन करना है ईशा की नमाज़ के बाद। इंशाल्लाह 19 दिन के अंदर अंदर आपका तबादला मनसूख हो जाएगा, रुक जाएगा, चाहे कोई भी किसी भी वजह से हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।